घटना है 24 अप्रैल सन 1967 की, जब रशियन कॉस्मोनॉट व्लादिमीर कोमरोव स्पेस से सीधे 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन पर आ गिरे। गिरते वक्त वे एक कैप्सूल में बंद थे। तेज रफ्तार और घर्षण के कारण उनकी कैप्सूल का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा था। व्लादिमीर जोरों से चिल्लाकर कह रहे थे, हीट इज राइजिंग इन द कैप्सूल, मगर उन्हें बचाने वाला वहाँ कोई नहीं था। आखिरकार वो कैप्सूल चंद सेकंड्स में राख में बदल गया। क्या थी इस पूरी घटना के पीछे की वजह? क्या ये सच में एक एक्सीडेंट ही था या फिर कोई साजिश? व्लादिमीर मिखेलोविच कोमरोव का जन्म 16 मार्च 1927 को हुआ था। वे बचपन से ही आसमान में ऊंचे उड़ते रॉकेट्स और विमानों को देखते और खुद भी स्पेस में जाने की चाहत रखते। वे एरोस्पेस इंजीनियर बनना चाहते थे। 1935 में व्लादिमीर ने स्कूल में अपनी पढ़ाई शुरू की, लेकिन 1941 के दौरान वर्ल्ड वॉर टू के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करनी पड़ी। लेकिन वो कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और बस ऐसा ही कुछ हुआ व्लादिमीर कोमरोव के साथ। सोवियत एयरफोर्स की तरफ से व्लादिमीर को एक ऑफर आया। ये मौका भला व्लादिमीर अपने हाथ से कैसे जाने देते? आखिरकार ये ऑफर उन्हें उनके सपनों तक पहुंचाने वाला एक दरवाजा जो था। व्लादिमीर ने अपने इस सपने को साकार करने के लिए जी तोड़ मेहनत की। उनकी मेहनत का ही नतीजा था कि सन 1959 में वे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉस्मोनॉट बन गए। यहाँ आपको बता दें कि कॉस्मोनॉट मतलब रूस के अंतरिक्ष यात्री। जैसे अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री को एस्ट्रोनॉट कहा जाता है, चीन के अंतरिक्ष यात्री को टेक्नॉट कहा जाता है, वैसे ही रूस के अंतरिक्ष यात्रियों को कॉस्मोनॉट कहा जाता है। वैसे भारत के अंतरिक्ष यात्री को क्या कहा जाता है? अगर आपको पता हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। व्लादिमीर दिल से चाहते थे कि उन्हें स्पेस में जाने का मौका मिले, मगर इस बीच जो चीज उनके आड़े आ रही थी वो थी उनकी उम्र। उनमें एक अच्छे कॉस्मोनॉट की सारी खूबियां थी, बावजूद इसके वे कॉस्मोस में नहीं जा सकते थे क्योंकि उनकी उम्र 27 साल से ज्यादा थी। स्पेस के हर एक ऑपरेशन में उनका इन्वॉल्वमेंट तो रहता ही था, साथ ही वो आगे आने वाली स्पेस मिशन के लिए भी अप्लाई करते रहते थे। और जैसा कि कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, 4 अक्टूबर 1964 को उनकी एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया गया। यहाँ व्लादिमीर के साथ ही उनके दोस्त यूरी गैगरिन को भी इस नए मिशन में शामिल किया गया। इस नए मिशन का नाम था सोयूज प्रोग्राम। ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें 3 लोगों को स्पेस में भेजा जाने वाला था। इसे अंजाम देने के लिए 23 अप्रैल के दिन को चुना गया। चूंकि सोवियत संघ यानी सोवियत यूनियन को स्थापित हुए पूरे 50 साल हो चुके थे, सोवियत संघ एक सुपर पावर कंट्री बन चुका था, इसलिए अपनी 50वीं सालगिरह या कहें गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करने के लिए ही सोवियत यूनियन के लीडर लियोनिड ब्रेजिन ने निर्णय लिया कि ये मिशन इसी दिन किया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत सोयूज 1 और सोयूज 2 नाम के 2 नए स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होने वाले थे। प्लानिंग के अनुसार सोयूज 1 में केवल किसी एक कॉस्मोनॉट को भेजा जाना था और अगले दिन सोयूज 2 के साथ बाकी 2 कॉस्मोनॉट्स को भेजा जाना था, जिसके बाद स्पेस में जाने के बाद ये दोनों ही स्पेसक्राफ्ट्स मिलने वाले थे और सोयूज 1 के कॉस्मोनॉट को सोयूज 2 में बाकी कॉस्मोनॉट्स के पास आना था। बस यही इस मिशन का मेन उद्देश्य था। सुनने में बड़ा आसान सा लगता है ना? तो फिर आखिर ये मिशन फेल कैसे हुआ और इसकी असफलता के पीछे किसका हाथ था? असल में जब इस मिशन के लिए तैयारियां की जा रही थी तो कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण सोयूज के 3 अटेम्प्ट फेल हो चुके थे, जिसके कारण साइंटिस्ट और कॉस्मोनॉट्स इस मिशन को फुल फ्लैश लॉन्च करने के लिए श्योर नहीं थे। शायद इसके लिए उन्हें थोड़े और वक्त की जरूरत थी, मगर सोवियत संघ के उस समय के लीडर लियोनिड ब्रेजिन इस मिशन की लॉन्च डेट को एग्जैक्टली 50th एनिवर्सरी के दिन ही चाहते थे। कुछ इंजीनियर्स को सोयूज की डिजाइन को लेकर भी मन में कई शंकाएं थी। यानी कि ये बात तो यहाँ बिल्कुल साफ थी कि सोयूज अभी अपनी लॉन्चिंग के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। जाहिर सी बात है कि जो बात सभी को, यहाँ तक कि आम जनता तक को क्लियरली समझ आ रही थी, तो ऐसे में मिशन का फेल होना तो तय था। मगर ब्रेजिन इन सब बातों को इग्नोर करते चले गए। उनका उद्देश्य था तो बस यही कि किसी भी हाल में
चाहे साम दाम दंड भेद क्यों ना करना पड़े, लेकिन सुयोज तय दिन यानी कि सोवियत संघ की 50वीं सालगिरह पर ही लॉन्च होना चाहिए। वो रशिया को एक सुपर पावर कंट्री साबित करना चाहता था। ब्रेजिन के इस निर्णय का बहुत विरोध हुआ, मगर पर्सनली कोई भी ब्रेजिन का विरोध नहीं कर पाया, केवल एक के अलावा, और वो एक व्यक्ति थे, यूरी गैग्रीन। जी हाँ, व्लादिमीर के सबसे अच्छे दोस्त यूरी गैग्रीन ने ब्रेजिन से ये मिशन आगे बढ़ाने की मांग की थी, मगर उनकी इस रिक्वेस्ट को भी अनसुना कर दिया गया। गुस्से में आकर यूरी गैग्रीन ने एक 10 पेज का मेमो केजीबी को भेजा। ये एक सिक्योरिटी एजेंसी थी जिसके पास ये अधिकार थे कि किसी भी मिशन में खतरा महसूस होने पर वो इस मिशन को या तो रोक दे या आगे बढ़ा दे, मगर ब्रेजिन इतना पावरफुल इंसान था कि उसके आगे एजेंसी की भी नहीं चली। फिर क्या था, आखिर वो दिन आ ही गया जब व्लादिमीर कोमरोव को ये जानते हुए भी कि वो वापस लौटकर कभी नहीं आएंगे, मिशन के लिए जाना पड़ा। मिशन पर जाने से पहले व्लादिमीर कोमरोव ने अपने दोस्त यूरी गैग्रीन से ये बात कही भी थी कि मैं अब वापस नहीं आने वाला। कहीं ना कहीं व्लादिमीर इस बात को लेकर श्योर थे कि अब वे इस दुनिया को अलविदा कहने वाले हैं। अब आपको लग रहा होगा कि जब व्लादिमीर इतने ही श्योर थे अपनी मौत और मिशन के फेलियर को लेकर, तो फिर वे इस मिशन पर गए ही क्यों? उन्होंने इस मिशन पर जाने से मना क्यों नहीं कर दिया? खैर, इसके पीछे की वजह जानकर आप चौंक जाएंगे। व्लादिमीर का मानना था कि अगर वे इस मिशन के लिए मना कर देते तो उनकी जगह उनके जिगरी दोस्त यूरी गैग्रीन को ये मिशन करना पड़ता, जो कि व्लादिमीर नहीं चाहते थे। अगर वे ऐसा करते तो दोस्ती में धोखा हो जाता और लोग उन्हें कायर कहकर बुलाते, इसलिए उन्होंने खुद ही इस मिशन के लिए जाने का फैसला किया। अब जब व्लादिमीर अपने इस मिशन के लिए जाने लगे, यूरी गैग्रीन भी इस स्पेसक्राफ्ट लॉन्च के दिन लॉन्चिंग साइट पर मौजूद थे और वो सभी से ये रिक्वेस्ट करने लगे कि उन्हें भी व्लादिमीर के साथ स्पेस में भेजा जाए, मगर उनकी ये रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की गई। आखिरकार 23 अप्रैल 1967 की रात 12:32 पर सोयूज मिशन को लॉन्च कर दिया गया। लॉन्च के बाद 8 मिनटों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, मगर जब ये स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट में घूम रहा था तो कुछ तकनीकी खराबियां धीरे धीरे सामने आने लगी, जिसके बाद ये स्पेसक्राफ्ट अपने और व्लादिमीर के पतन की ओर बढ़ने लगा। पहला ऑर्बिट बस पूरा हुआ ही था कि सोलर पैनल फेल हो गया। धीरे धीरे सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खराब होती गईं। समय के साथ साथ परिस्थितियां बद से बदतर होती गईं। नेविगेशन सिस्टम भी बंद हो चुका था। इन सब के बावजूद व्लादिमीर को बचाया जा सकता था। असल में रशियन एजेंसी सोयूज 2 को लॉन्च कर व्लादिमीर को बचा सकती थी, मगर यहाँ पर सोयूज 2 को लॉन्च करना तो दूर की बात हो गई। रशियन एजेंसी ने तो इस मिशन को ही कैंसिल कर दिया। इधर व्लादिमीर अपने स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर एक कैप्सूल के जरिए धरती के एटमॉस्फेयर की ओर बढ़ने लगे, लेकिन एंड टाइम पर उनके पैराशूट्स ने उन्हें धोखा दे दिया और जो आखिरी शब्द उनके मुँह से निकला वो था किल्ड, जिसके बाद उनका कैप्सूल बड़ी ही तेजी के साथ पृथ्वी पर जमीन से आ टकराया और देखते ही देखते एक अच्छी खासी कद काठी वाला व्यक्ति एक 80 सेंटीमीटर के जले हुए टुकड़े में बदल चुका था। इस घटना के बाद ब्रेजिन को पूरी दुनिया से केवल नफरत ही मिली और व्लादिमीर कोमरोव को अपने देश के लिए बलि चढ़ने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। ये कहानी थी एक सच्चे देशभक्त, एक सच्चे दोस्त और एक काबिल इंसान की। आपकी इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल अद्भुत मिस्ट्री पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, ताकि हमारे अपडेट आप तक पहुंचते रहें। मैं हूं आपकी दोस्त नेहा आगरकर, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दे आज्ञा, नमस्कार।